वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो प्लान कुछ ऐसा है, आज जा रहे हैं द ब्यूटीस्ट घाट एवर, द कांजीपानी घाट। तो इससे पहले हम अपनी प्यारी निराली को खाना खिलाने ले चलते हैं, क्योंकि ये इतनी बीती बहुत है ना। और गाइस, घर से लगभग पेट्रोल पम्प है 4.5 किलोमीटर दूर, और चाहे गाड़ी के पेट्रोल पम्प चाहे ख़त्म हो जाए, भाई गाड़ी उधर ही में पेट्रोल पम्प डलवाता हूँ। फाइनली हम लोग पेट्रोल डलवा लिए, तो निराली का फाइनल रेस्टोरेंट का बिल हो गया 500। आज इसको 500 में फुल कर दिया, वो ज़्यादा नहीं खिलाते उसको, तब तक हो जाएगा हमारा राइड वाइड। और अब चलते हैं वही दोस्त के पास, बेस्ट राइडर जिरन है, जिसको पिकअप करने चलते हैं। और उसको बोला था कि रेडी होने के लिए, 4 बजे से कॉल किया था, लेकिन 1 घंटा हो गया उसका रेडी नहीं हो रहा है। सब भैया सब लड़की का चक्कर। और ये हम पहुंच गए घाट की स्टार्टिंग में, जहाँ पे शुरू होता है टोल गेट। और ये टोल गेट क्रॉस करते हुए हम लोग थोड़ा शूटिंग के लिए रुकने वाले हैं, थोड़ा फोटोशूट, 1-2 फोटोशूट आ जाए वही काफ़ी है। चलो अभी निकलते हैं इधर से। ये घाट ना पहले जो इतना एक सिंगल रोड था, तभी ग्रीनरी ज़्यादा होता था, लेकिन कॉर्नरिंग मारने में इतना मज़ा नहीं आता था। अभी जैसे बना दिया 2x2, भाई इतना मज़ा आता है कॉर्नरिंग करने, जैसे बाइकों के लिए ये तो जन्नत है भाई। जो भी बाइकर लोग इधर देख रहे हैं ना, ये कॉर्नरिंग मत छोड़ना, लेकिन संभल के करना, ये थोड़ा रिस्की है। और आप लोग एंजॉय करो थोड़ा ब्यूटी द क्यूटी द कांजीपानी घाट। और ये कॉर्नरिंग की बात ख़त्म ही नहीं हुआ था कि ये ट्रक की हाल देखो, ये भी शायद कॉर्नरिंग कर रहा था, तभी ये चढ़ गया ऊपर। मैं तो शायद सोच रहा था कि ये शायद मेरे ही साइड आ रहा है, देखा हुआ तो ये पहला चढ़ा हुआ है भाई। आगे और भी घाट थे, लेकिन हमने शूट नहीं किया, क्योंकि गोप्रो की मेमोरी ने दे दिया था धोखा। तो शूट करते करते रात भी हो गया था, सो आज की सीन्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो। सो साइनिंग अप फ्रॉम ट्रैवलिंग ब्रदर्स।